Assalamualaikum। तो यार कैसे तुम सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होगे, मजे में होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मजे में है, चिल कर रहा है, ईद एंजॉय कर रहा है। यार तुम लोग सोच रहे होगे कि यार तुम्हारा व्लॉग इतना लेट क्यों आता है और रूटीन डिस्टर्ब क्यों ही है। यार जैसे कि तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं एक दो रातें पूरी लगातार नहीं सोया, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग व्लॉग बनाने का दिल नहीं, ऊपर से मैं इतना सुस्त हो गया था ना नींद पूरी ना मेरी कुछ। हालांकि रात को भी मैं ना 3 बजे सोया हूँ, देख लो अंदाजा लगा लो भाई। तो बाकी ये कि आज से हमारी डेली रूटीन अपने टाइम से शुरू हो गया, क्योंकि ईद खत्म, मजा खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ हजम, खाली गोश्त नहीं हजम हुआ अभी तक। आहा, वो बाबा जी भी जाते हैं, हम गली में चेक करते हैं कोई साईं बगलोल शगलोल आया हो तो उसको रगड़ते हैं पकड़ के, जल्दी से जाते हैं गली में और चेक करते हैं फिर, ठीक है। यार अभी हमारे में एक ना बहुत ही छुट्टी फिल्म जो होती है ना, छुट्टी फिल्म, उसके पास आए हुए हैं। क्या कह रहे थे? यहाँ से 4 मोटरसाइकिल आए। अच्छा, जिनमें 2 एक में बैठे हुए थे, 2 एक में बैठे हुए थे, एक एक में बैठा हुआ। अच्छा, तो एक बैठा हुआ था उसमें कैप को दिखाया इन्होंने। अच्छा, और उसके हाथ में दिया अच्छी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बैट क्रिकेट वाला वो ब्राउन। अच्छा, कैप ने ले लिया फिर आराम से? कौन सी कैप ने ले लिया? मैंने पूछा भी है, एक कवर में कितने बिकते लेते हो, कहता 6 इकट्ठी ले लेता है। यार क्या बात। 5 minutes later तो यार ना पापा के ऑफिस में बैठा हुआ था, ठीक है, वहाँ टीटू पार्टियां लगाई हैं। उसके बाद मुझे आई है जी मेरी कमेटी की कॉल, जो कि ना वो नहीं है मेरा शेड्यूल कजन, उसकी मामा की कॉल आई, कहती जी मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ, वो जो पिछले साल का उन्होंने गोश्त रखा हुआ था ना उसकी उन्होंने बनाई है हमारे लिए कोई चीज़, तो कहती है कि आओ और खा जाओ। मतलब कि उन्होंने हमारे की है, साफ लफ्ज में बताता हूँ, उन्होंने हमारी दावत की है, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो जल्दी से जाते हैं, जो पिछले साल वाला गोश्त उनका पड़ा है वो मुका के आते हैं, और फिर जो है ना पूरे खानदान की हुई है ना, समझा करो फिर सारा सिस्टम, फिर जाके हम आपको भी यस कराते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी अम्मा ने कल बनाए थे चप्पल कबाब, ठीक है, तो चप्पल कबाब खाने के बाद ना मैंने इतने चक्की चप्पल कबाब ठूसे हैं ना जिसकी कोई याद नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इतने चक्की चप्पल कबाब ठूसे। तो अभी जाते हैं, पहले हम जिनसे ना स्प्राइट स्प्राइट लेके आते हैं, स्प्राइट नहीं बल्कि, समझ गए तुम, मुझे पता तुम समझ गए, जल्दी से लेके आते हैं, और उसके बाद कोई आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं, अपना मुंह भी मीठा करते हैं ना, समझा करो। तो यार अभी हमने स्टिंग वगैरह ले लिया है, और इन भाई के पास ना यार वो है ही नहीं आइसक्रीम। यार आपको पता ही है हमारी प्रोफेशनल बेकरी है, हम इसी के ऊपर आते हैं और किसी के पास जाते ही नहीं हैं, फिर आपने क्यों नहीं रखी हुई है? अबे अपना काम कर यार, रखो कोई आइसक्रीम वगैरह, ईदी शीदी आई हैं, बच्चे शच्चे जिनसे आते हैं ना उन्हें ईदी शीदी मिलती है, वो यही खाते हैं आइसक्रीमें वगैरह। ये एक जो है ना मेरा इश्तिहारी दोस्त आया, मैं यूं कभी भी नहीं दूंगा, फट जाएंगे पैसे, इससे मैंने अभी कोप लिया जी 500 रुपया। क्या लेने आया था, बहन के पेम्पर? अब तो यही करता रहेगा, छोटी बहन के पेम्पर जेम्पर है, अभी क्या करें, चल मुझे क्या खिलाएगा फिर दूंगा पैसे। अपने जूर खिलाता, गोला खिलाता या कुछ और। तूने बच्चे वो कैमल का गोश्त भी नहीं भेजा है, खुद बड़ा खाया, अब भी नहीं आ रहा अभी कोयटा से, तो क्या करें। ले यार ये ले, 100 रुपए और देना तेरी मैम ना कर ना कर। अच्छा ये फिल्म डालेगा, पीते हैं दोनों मिलकर, ये फिल्म डालेगा देख लेंगे। 5 minutes later भाई जी ऐसे बोतल निकलवाई जाती है। तो यार आइसक्रीम तो मिली नहीं है, मैं गोले शोले ट्राई करे हैं और मैं उल्टे हाथ से ना व्लॉग कर रहा हूँ भाई, 3 चीज़ें एक हाथ में उठाई हुई हैं भाई जी, तुम अभी भी लाइक ना करो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। अच्छा तो यार तुम लोग सोच रहे हो कि एक गोला किसका था, ठीक है, एक मेरी मामा का था जो मैं सामने खड़ी होकर खा रही हूँ। इनको मैं ना इनके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, उसने ना पता है कि ये यूँ हाथ पहले यहाँ पे डाला है, फिर यहाँ पे डाला है, फिर यूँ खारिश की है, उसके बाद उन्हीं हाथों से ना बर्फ़ को यूँ करके ना यूँ यूँ का यूँ यूँ करके फिर गोला बनाया। तो आप खा रही हो फिर जितना लीज उतना लजीज। तो यार अभी मैं कह रहा था, ठीक है, मुझे तकरीबन 2 मिनट हुए होंगे बैठे हुए और ये लुगड़ में दोबारा आ गया। चल जा अम्मी की पैंट चेंज करके आ, पहले अम्मी की पैंट उतार के आ, पहले जा। जितना ये जमीन से ऊपर है ना उतना जमीन के नीचे भी है, तो पहले यूं यूं कर, बड़ा हरामी हो बेटा, छोड़ दे नहीं भागती कहीं पे, ये
और ना इस नल्ले भिखारी चप्पल चोर ने मुझे नीचे बुला लिया है। ओए वो देखो नया माल है। बंसी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तुम लोग ना हम अभी ना एक जादू दिखाते हैं। इधर आओ ए छोड़ दो वो खुद दिखा दे। खुद दिखाएगा देखो अभी प्लेन है बिल्कुल है। अभी तुम जादू दिखाओ अंतर मंत्र लुली फुली शुली लुली चल तो ये आपस में कह रहे थे कि आओ भाई हम होंडा होंडा जुड़े हैं। क्या खिलाएगा अगर तू जीत गया? मैं क्या खिलाऊंगा इसने कढ़ाई तू कढ़ाई नहीं खिला दी माने तूने क्यों माना मैं तो तेरा भाई हूँ ना मैं तेरे साथ मेरी पक्की आ रही है अब ठीक है। वो उसने तुझे क्यों मारा इसे हम दोनों पकड़े हैं। रुक जा बैटरी तेरी इसी में बटा उठा ले इसका सर खोल दी मैं कहना हूँ मैं ना हुआ सच्ची मुझे ना पता है तो ना हेरा कैसा भाई है तूने कहा था कि हेरा मैं पहले बात की छोड़ो ना लड़ो मन ना मारे चले अभी वो गौर नहीं रख सकते ना सीरियस हो ना करना माँ ये को तुम दोनों की लड़ाई थी पैम मेरी बाजू सुझा दी तुम लोग नहीं चेक करो रेड कर दिए मेरी बाजू इन लोगों ने मैं जा रहा हूँ ओके मैं जाना है दावत पे मुझे पहली दफा किसी ने दावत पे बुलाया मुझे जाने दो मेहरबानी करो दावत में बुलाया था तेरी शक्ल इतनी सोनी किसी ने रखी वही मैं कह रहा हूं ना मुझे पहली दफा किसी ने दावत पे बुलाया तू क्यों उंगले कर रहा फिर तू कहता मुझे ब्लॉग में ना लाओ हैं उंगले करते तो फिर बाहर लेने की फिर वो रखा करो हैं मैं तुझे टांग घुसाऊंगा ये देख ले मुझे भी घुसाएगा उसे घुसाना तो मेरा सही है मैं घर वालों को 20 मिनट का कह के आया था ठीक है घर वालों को सलाम दे मेरा स्टिंग मैंने रख दी थी ऊपर फ्रीजर में ताकि सही ना जो सही ठंडी हो जाए क्योंकि सही ठंडी पीने की इच्छा आती है अभी से हम खोलते हैं और पीते हैं फिर अकेले तुम लोगों को मैं नहीं पिला रहा ले ले फिर बाद में मुझे ना कहीं अभी क्या कह रहा था छोटे बच्चों को नहीं बुलाना होती चल ठीक है 346 मिनट्स लेटर यार तुम्हारा भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तैयार हो गए ठीक है तैयार होने के बाद मैंने परफ्यूम इतना हैवी वाला लगाया ना क्योंकि जो मेरी इस तरह की कजन्स होंगी ना वो भी वहाँ पे आई हुई होंगी तो जाहिर सी बात है फिर जो उनसे आया ना तुम्हारे भाई का वो पर उनका दिल भी तो पिघलना चाहिए ना फिर समझा करो जाते हैं जाके फिर देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। 3 days later. अच्छा तो बाबा जी अभी मैं दावत से गा रहा हूँ ठीक है और मेरी कोई इतनी तबीयत ख़राब हुई है ना कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो मोबाइल है ना वो भी दावत पे ना बंद हो गया था ठीक है चार्जिंग मेरी बिल्कुल लो और अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मैं एडिट नहीं करने होगा ब्लॉग ठीक है सो जाता हूँ सुबह आराम फोन से ब्लॉग एडिट करके तुम्हें दे दूँगा पीछे उठना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।